महाकाली वा जय शिमशान भैरव। दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। तंत्र मार्ग का ये सातवां भाग है। अब जो है तंत्र मार्ग में हवन की सामग्री क्या होनी चाहिए, तो यदि आप शांति कर्म कर रहे हैं और उसमें आपको हवन करना है, दशांश हवन करना है, तो तिल, शुद्ध घी, आम की लकड़ियां हैं, और पुष्ट कर्म में क्या है, शुद्ध घी, बेलपत्र, धूप की लकड़ियां समधियां कहलाती हैं, वो हमारे एमपी में उसको समधियां बोलते हैं। ढाक की समधियों से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धूप चढ़ाएं माता को, खीर मेवा इत्यादि से हवन करें तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। चंदन व पीपल की समधियों से आकर्षण होता है। यदि आप मारण कर्म कर रहे हैं तो उसमें तेल और सरसों से आप हवन करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वशीकरण कर रहे हैं आप तो सरसों और राई से आप हवन करें तो वशीकरण आपका जो है शीघ्र सफल होगा। और आप जो है शुभ कर्म कर रहे हैं, यदि मारण कर रहे हैं तो मैंने बताया तेल और सरसों से हवन करें, वशीकरण में सरसों और राई का हवन करें। शुभ कर्म यदि आप कर रहे हैं तो जौ ले लें, तेल ले लें, चावल ले लें, देवदारू ले लें, शुद्ध घी ले लें, शुद्ध घी से बने मेवल ले लें, मेवा वगैरह ले लें, मिष्ठान ले लें, खीर ले लें, इससे हवन करें। सफेद चंदन है, आम है, बड़ है, छोकरा है, पीपल की लकड़ी है, इससे आप हवन करें तो आपको सफलता मिलेगी। अधिष्ठात्री देवियां, तो शांति कर्म की जो अधिष्ठात्री देवी है रति है, और वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी जो है सरस्वती है, स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। तो जो कर्म कर रहे हैं उसके अंत में उन देवी का आपको पूजन करना पड़ेगा। जैसे आप उच्चाटन कर्म में सफलता चाहते हैं या उच्चाटन मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो उसमें दुर्गा का आपको पूजा के अंत में, जो जप के अंत में पूजन आपको करना पड़ेगा। मारण की कर्म की, मारण कर्म जो होता है और उसका यदि हवन पूजन कर रहे हैं तो उस अंत में आपको माँ भद्रकाली की पूजन करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी उनकी भद्रकाली है। जो कर्म करना हो उसके आरंभ में और उसके बाद में आप उन देवी का जो है पूजन करें। अब हम आपको बताते हैं विभिन्न प्रकार की समाधियां, जो समधियां रहती हैं लकड़ियों को कहते हैं। समाधि बात अलग होती है और लकड़ियां जो समधि कहते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, अब उसको क्या बोलते हैं। शांति कर्म में गौ घृत दूबा से जो है आहुतियां दें, और वशीकरण में बकरी रहती ना, बकरी का घी ले लो, उसमें मिला के आप साकल में मिला के आहुतियां दें। अनार की लकड़ी की समधियां स्तंभन में आप इस्तेमाल करें, भेड़ी का घी, भेड़ी देते भेड़, उसके घी मिलाकर। अमलतास के वृक्ष की लकड़ियां लाएं, वो विदूषण के कार्य में अलसी का तेल मिला के आहुति दें। धतूरे की समधियां से, और उच्चाटन में सरसों का तेल मिला के आम के वृक्ष की समधियां ले लें। इसी प्रकार से मारण कर्म में यदि आप कर रहे हो तो कड़ुआ तेल ले लें, उसकी उसमें आप जो है खैर की लकड़ी मिला लें, खैर की लकड़ी की समधियां मिला लें, उससे होम करें। अब हम आपको अग्नि के विषय में बताते हैं। शांति और वशीकरण कर्म में लौकिक अग्नि में, स्तंभन में बरगद की काट से बनी अग्नि में, विदूषण में बहेड़ी की लकड़ी से अग्नि करें, तथा उच्चाटन एवं मारण प्रयोग में शमशान की अग्नि से होम करें। ये तंत्र में भाई बहुत ही विधान है। अब उसमें तो क्या है कि अग्नि प्रज्वलित करने की विधि है, तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो समधियां रहती हैं लकड़ियां शुभ कार्य के लिए, तो जैसे बेल है, आक है, पलाश है, दुधारू जिन वृक्षों में दूध निकलते हैं उनकी समधियां हैं। तो अशुभ, जैसे अशुभ कर्म हुई है तो अशुभ कर्म में क्या होता है भाई,
कि जैसे विस्कृत है, जैसे कुचला होता है, कुचला ले लो, बहेड़ा ले लो, धतूरा ले लो, नींबू ले लो, लेसोड़ा ले लो, इनकी लकड़ियां, इनकी समधियां, इनसे अग्नि करो, तो इनकी अग्नि प्रज्वलित करने से उन कार्यों में सफलता मिलती है। शांति कर्म, अब क्या होता है कि इन अब जैसे अब आपको हवन का कुंड बनाना है, तो शांति कर्म में कहा है वृत्ताकार, पद्माकार, चौकूर, त्रिकोण, षटकोण और चंद्राकार कुंड का निर्माण करें। पश्चिम, उत्तर, पूर्व, वाप, दक्षिण, इन दिशाओं में करना चाहिए।